दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तिरंगा सम्मान सम्मेलन को नई दिल्ली में संबोधित किया। पूरी दिल्ली में लगे 115 फीट के ऊंचे तिरंगों के सम्मान में यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 500 तिरंगों में से 200 से ज़्यादा तिरंगे लगने का काम पूरा हो चुका है और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली के 500 स्थानों में 500 तिरंगे लग जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने तिरंगा सम्मान समितियों के गठन की भी घोषणा की, जिसकी हर शाखा में 5 व्यक्ति हिस्सा होंगे। ये सभी व्यक्ति राष्ट्रीय फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगे की स्थिति की समीक्षा करेंगे और हर तिरंगे की व्यवस्था बरकरार रखने का कार्य करेंगे, ताकि तिरंगों के सम्मान में कोई कमी ना आए। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। जब भी हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो पूरे शरीर में एक सिहरन सी होती है। जितनी बार हम तिरंगे की तरफ देखते हैं, एक देशभक्ति की भावना जागती है अंदर। जिन लोगों ने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी थी, उन सब की तस्वीरें सामने आ जाती है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहब अम्बेडकर, कितने कितने लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कितने लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, उन सब की कुर्बानियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इन 75 सालों में हमने खूब तरक्की भी की, कुछ कमियां भी रह गई, लेकिन इस 75 साल के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने ये तय किया कि हम दिल्ली में लोगों के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब एक आदमी जीता है तो अपने परिवार, अपनी नौकरी, इसमें उलझ के रह जाता है। देश उसके दिमाग में कहीं पीछे चला जाता है, भारत माँ उसके दिमाग में कहीं पीछे चली जाती है। सो हमने तय किया कि इस तरह से दिल्ली को सजाया जाए कि कोई जब घर से बाहर निकले तो हर 2-3 किलोमीटर कदम पे उसको एक तिरंगा दिखाई दे जाए, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में उसे एक तिरंगा दिखाई दे और तिरंगे को देख के उसको वापस अपनी भारत माँ की याद आ जाए। और उसी विजन से हमने तय किया कि हम पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाएंगे। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, लगभग 400 पोल लग चुके हैं, 200 उन पे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। आज भी जो भी बाहर से आता है, कोई भी बाहर से दिल्ली देखने आता है, दिल्ली में आता है, और बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी दिल्ली में तो अभी तो 200-300 ही लगे हैं, दिल्ली में तो जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते हैं, दिल्ली में जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, अब तिरंगों की राजधानी भी बन गई है। मुझे बेहद खुशी है कि आज तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की जा रही है। हर तिरंगे के ऊपर 5 लोगों की समिति बनाई गई है। उन 5 लोगों की समिति का काम होगा ये सुनिश्चित करना कि तिरंगा फ्लैग कोड के मुताबिक मौजूद है, तिरंगा अपने पूरे सम्मान के साथ मौजूद है, कहीं मैला तो नहीं हुआ, कहीं फट तो नहीं गया, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देके उसको ठीक करवाया जाए। हम कितनी बार देखते हैं, जब कई बार ऐसा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में मुठभेड़ होती है, ये होती है, वो होती है, और जब हमारा सिपाही ऊपर सियाचिन के ऊपर जाके तिरंगा गाड़ता है, उसको कितनी गोलियां लगी हुई हैं, कितना मुश्किल से वो चढ़ते 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 जब तिरंगा गाड़ता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, हम सबका, पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। एक बार ये समिति और इनके 1000 वॉलंटियर्स
सारे सफाई कर्मचारियों को बुला के वैसे ही उनको सम्मान कर दो, वैसे ही उनके साथ बैठ जाओ, पता तो करो उनके घर में क्या तकलीफें हैं। किसी भी सफाई कर्मचारी को किसी तरह की घर में तकलीफ हो, आप उसका साथ दो। आप पांच लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 वॉलंटियर्स अगर आपने तैयार कर लिए, सोचो 500 समितियां, 1,000 वॉलंटियर, दिल्ली के अंदर 5,00,000 युवा दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमारा मकसद है, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर दिल्लीवासी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद दिल्ली सरकार एक कार्यक्रम लॉन्च करेगी, हर हाथ तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा होगा। हमारा मकसद है कि 24 घंटे आदमी ये सोचे कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा सब कुछ देश के लिए है। और जब रात को वो सोए, वो ये सोचे कि आज मैंने इस पूरे दिन में भारत माता के लिए क्या किया। और जैसा मैंने कहा, जिस दिन 130 करोड़ लोग मिलके केवल और केवल भारत के लिए सोचना चालू करेंगे, सबके परिवार भी ठीक हो जाएंगे, गरीबी भी दूर हो जाएगी, भारत भी तरक्की करेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, भारत माता की। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.